हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीबीए के एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीबीए के एंट्रेंस में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क के पेपर होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे और जो इसका PDF है, यानी कि बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट का जो PDF है पेपर का, वो आपको वीडियो के 5वें पार्ट में मिल जाएगा। यानी यह वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है, यह इसका पहला पार्ट है। अब इसका जब 5वां पार्ट आएगा तब आपको PDF दे दिया जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, दूसरे में 20 से 40 तक का देखेंगे, ऐसे करके टोटल 5 पार्ट आएंगे और 5वें पार्ट में आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको बीबीए का पूरा एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक कर दो यार, लाइक तो बिल्कुल फ्री है, तो लाइक तो करना चाहिए, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत से कोई पेपर इकट्ठा करके लाता है और पूरा सॉल्व करता है, तो लाइक करना आपका फ़र्ज बनता है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ आई वेयर रिच, खाली स्थान है अलॉट, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आई वुड ट्रेवल, यानी कि हो जाएगा इफ़ आई वेयर रिच आई वुड ट्रेवल अलॉट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और ये आपके लिए एक तरफ से होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को घर पर कीजिएगा सोच के और फिर कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो दूसरे क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं, तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है फीमा हैज़ बीन वर्किंग हियर और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर 6 मंथ, यानी कि फीमा हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ, क्योंकि जहाँ पर भी हैज़ बीन का प्रयोग होता है वहाँ पर फॉर होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर 6 मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अपोजिट ऑफ कीन इज, यानी कि आपको कीन का अपोजिट खोजना है, तो कीन का अपोजिट होता है अनविलिंग, तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा असाइनमेंट का करेक्ट मीनिंग है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला असाइनमेंट की करेक्ट मीनिंग है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 5वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम, यानी कि क्या नेसेसरी है, तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों के प्रॉपर ग्रोथ के लिए कैल्शियम जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि कमेटी में कौन सा जो लिखा गया है करेक्ट लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, बी आपका देखिए करेक्ट लिखा गया है कमेटी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस को पूरा करना है, फॉर द इन्वेस्टर्स हु, खाली स्थान है, उसके बाद मनी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हैव वेरी लिटिल मनी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड, ठीक है, आपको इसमें से कोई एक वर्ड इसमें से चूज करके इसमें भरना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी टू रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस द ब्रिटिश इंजॉयड मोनोपोली टेक्सटाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ही वाज, खाली स्थान है, अलॉट ऑफ, फिर से खाली स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडर, इसमें अंडर आएगा और इसमें डेप्ट आएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, पाउल लेफ्ट द रूम सडनली, ही सेड ही फिर खाली स्थान है टू गो, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ही हैड होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ही हैड होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वी वेयर गोइंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अभी तक जरूर भूल ही गए होंगे, तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन होगा,
तो सब कुछ फ्री है तो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हीमा वर्क्स सिक्स डेज, खाली स्थान है, फिर आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, ए होगा, ठीक है। हीमा वर्क्स सिक्स डे अ वीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें से नाइबर की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख सकते हैं नाइबर की करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए नाइबर की करेक्ट स्पेलिंग यही है, तो इसका राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड अपॉन द, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन टोटल कैपिटल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइनेंस फंक्शन आर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फाइनेंसिंग फंक्शन, इन्वेस्टिंग फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ रेफलर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा सी, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कहाँ गया, ओ अच्छा, ये सब आपके जो थे हिंदी में थे और इंग्लिश दोनों में थे, तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। समग्र वित्तीय जोखिम निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो कल पूंजी में ऋण का अनुपात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त कार्य होते हैं, तो वित्त कार्य किस पर होते हैं, सभी पर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18 निम्नलिखित में से कौन पुनर्विक्रेता के रूप में नहीं माना जाता है, तो पुनर्विक्रेता के रूप में उत्पादक नहीं माना जाता है, ठीक है, 18 का फी। 19वां देख लेते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी किनके द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा, ठीक है, द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन के पहले एक बार और याद दिला दूं कि लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता ही होगा, गलवान घाटी कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो आप इसी वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सोल्यूशन, तो अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक का सोल्यूशन। और पीडीएफ आपको बता ही दिया कि पाँचवें पार्ट में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पढ़ाई करते रहिए। और इस चैनल पर आपको सभी कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो जाके पढ़ाई कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।